हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं तुम बच्चे लोग को कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ। रेदर बच्चे लोग के लिए नहीं है, सबके लिए ही बहुत एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया है। अभी बैरूत में 4 अगस्त को एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसने उस पूरे शहर को और आजू बाजू के पूरे एरिया को एकदम तबाह कर दिया। ठीक है, बहुत ही एकदम दर्दनाक सी सिचुएशन हो गई थी। ठीक है, और ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें बहुत से लोगों की जान गई। ठीक है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूँगा कि इतना नुकसान हुआ क्यों। जो नुकसान हुआ वो बहुत दूर तक, तकरीबन मान के चलो 100-150 किलोमीटर दूर तक है ना, उसका एक है ना, लोगों को उसकी फीलिंग आई, मतलब महसूस हुआ कि यार कुछ हुआ है, बहुत बड़ा धमाका हुआ है कहीं। तो फिजिक्स क्या उसके बिहाइंड, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड जो वो पूरा एक जो एक्सप्लोजन हुआ था। सो व्हाई दैट एक्सप्लोजन वाज सच अ बिग डिस्ट्रक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ये एक वेयर हाउस में हुआ, वहां पे आग लग गई थी। एक वेयर हाउस में ऐसी क्या चीजें पड़ी थी कि इतना बड़ा धमाका हुआ, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बम फूटा हो। ठीक है, रेदर वहाँ पे बम नहीं था कोई भी, देर वॉज नथिंग लाइक अ बॉम्ब काइंड ऑफ अ थिंग दैट वॉज केप्ट इन द वेयर हाउस। बॉम्ब नहीं था वहाँ पे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके ने पूरे शहर को ही तबाह कर दिया एक तरीके से। बिल्डिंग्स टूट गई, कारें सड़क के ऊपर, कारें इधर उधर फैल गई हैं, एकदम पेड़ गिर गए हैं, कांच टूट गए हैं बिल्डिंग्स के, शैटर्ड एवरीथिंग, इवन पीपल फेल्ट दैट काइंड ऑफ एक वेव, उनको एक झटका उनको लगा रहे हैं, दे वर टेकन बैक। हुआ क्या? ठीक है, तो मेरे पास एक क्लिप है, ये क्लिप भी मेरे को सोशल मीडिया से ही मिली है। ठीक है, इस क्लिप को एक बार मैं चलाता हूँ। दिस इज अ क्लिप, समवन हैज रिकॉर्डेड इट एंड यू कैन सी हेयर, यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे वो अभी पहला जो है ना, वो जो आग लगी थी, पहला जो हुआ था वो पहला सिचुएशन है। लेट्स प्ले इट, देखें। सो नाउ वॉट विल हैपन, सी सी हेयर। ठीक है, अब ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, धमाका हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे करूँ अगर इसको, आई होप दिस हेल्प। यस, सी हेयर। सो वट आई डू, आई मूव इट, मैं इसको यहाँ से ही नेविगेट करूंगा। ठीक है, पहला धमाका हो चुका था, दूसरे धमाके का देखो, समथिंग इज राइजिंग। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे एक्सप्लोजन हो चुका है, एक्सप्लोजन हो चुका है। ठीक है, ये देखो, यू कैन सी दिस, यहाँ पे कुछ बादल के जैसा व्हाइट व्हाइट बाहर निकल रहा है और अंदर जो है धुआं है और धमाका हुआ है अंदर जो है, बाहर ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है अपने को, मैं थोड़ा सा और आगे करूं, सी इस व्हाइट वाली चीज ने पूरे को एनगल्फ कर लिया। कैसा लग रहा है? बॉल के जैसा लग रहा है। ठीक है, ये शॉक वेव है, ये शॉक वेव है। शॉक वेव मतलब यहाँ पे एक छोटी सी प्रिमाइसिस में इतनी ज्यादा एनर्जी और इतने ज्यादा रेट पे, एट अ सर्टेन, एट अ वेरी हाई हाई रेट, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ कि वहां पे ऑल ऑफ ए सडन प्रेशर एकदम गिर गया, प्रेशर एकदम गिर गया। ठीक है, वो जो प्रेशर गिरा उसने शॉक वेव बनाई है। हुआ क्या है, जैसे ही प्रेशर गिरा है वो प्रेशर की वेव्स जो है, जब वो आगे भाग रही है, शॉक वेव्स जो है, इसको कहते हैं एक्सप्लोजन शॉक वेव। ठीक है, तो ये जो शॉक वेव है यहाँ पे क्या हुआ, ये बादल सा बन गया, एक बादल सा बन गया। देखो कैसे, तुमको आगे दिखाता हूँ मैं, देखना हो। ठीक है, लेट्स प्रोसीड, अब आगे देखते हैं। देखो ये बड़ा फैलता जा रहा है, ये क्या है, ये वो वेव है, जो शॉक वेव है वो आगे मूव कर रही है, आगे मूव कर रही है। इसके पास इनॉर्मस एनर्जी है, इनॉर्मस एनर्जी। यहाँ पे जो ये वेव है इसकी ट्रेवलिंग स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज है, यानी इसकी आवाज जो है, इसकी जो आवाज है और जो इसकी स्पीड है, वेव पहले पहुंच जाएगी, इसकी आवाज बाद में पहुंचेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट तो एनीवेज बहुत तेज है, इसलिए अपने को पहले दिख रहा है, अपने को फील ये बाद में होगी, आवाज उसके बाद में आएगी। यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, लेट्स सी ना, लुक हियर। ठीक है, अब यहां पे तुमको ध्यान से देखना, मैंने ये जो पॉइंटर्स लगाए हैं, यू हैव टू लुक एट दिस पॉइंटर्स वेरी केयरफुली। ठीक है, इस एरिया को ध्यान से देखना, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ, कैन यू सी अ डिफरेंस हेयर, कि यहाँ पे एक दिख रहा है डिफरेंस है, यू कैन सी द डिफरेंस हेयर, एक यहाँ पे गोला है जिसमें डिफरेंस दिख रहा है तुमको, इज इट विजिबल, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा और आगे लूँ अगर मैं,
तो देखो यहाँ पे ज़्यादा विजिबल होगा, देखना इधर देखना, जब यहाँ पे आएगा ना तो ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है, यहाँ पे देखना चेंज होगा, कैन यू सी दिस द चेंज, इज इट विजिबल, देखो, और ये जो क्लाउड है ना ये ऊपर उठ गया है, धमाके का जो धुआं वगैरह है वो पीछे है, ये धमाके का धुआं नहीं है, ये शॉक वेव के कारण जो है वो जो वो प्रेशर डिक्रीज हुआ और एक फिजिक्स का फिनोमेना हुआ और पानी कंडेंस हुआ, ये वो बादल है, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, देखो, सो स्प्रेड्स आउट, ठीक है, स्प्रेड्स आउट, ठीक है, ये शॉक वेव थी, ये है धुआं, जो बारूद का फटना, जो मलबे का उड़ना, वो सब तो ये है, वो जो थी वो इनॉर्मस एनर्जी थी जो बाहर निकली, ठीक है, समझ में आया, लेट्स गो बैक एंड सी, वापस देखते हैं, नाउ वी विल बी एबल टू मेक आउट, सी, तो फैला 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 फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, यहाँ पे यू कैन सी द कलर डिफरेंस, ये शॉक वेव्स मेरे को कैप्चर हुई है इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है, एंड ये फैल गया है, ठीक है। अब ये शॉक वेव्स आगे मूव करेगी, जो ये वीडियो ले रहा है बंदा वो तो बहुत दूर है, उस तक भी तो आएगी ना शॉक वेव्स, देखो क्या होगा, ठीक है, तो अपना ध्यान यहां रखना इस बिल्डिंग के ऊपर, देखें क्या होगा, ठीक है, शॉक वेव्स मूव कर रही है, ठीक है, तो प्रेशर धीरे धीरे उसका कम हो गया है, वो जो बादल बना था वो तो सब हट गया, छट गया, क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी फैली है, ठीक है, लेकिन शॉक वेव्स अभी भी आ रही है, क्योंकि वो वेव वो तो ट्रेवल कर रही है, नाउ दैट वेव विल ट्रेवल एंड कम हेयर, इस बिल्डिंग पे पहुंचेगी तो देखना क्या होगा, लेट्स सी, सो नाउ द शॉक वेव्स आर गोइंग टू रीच हेयर, ओके, सो कैन यू सी दिस, ओके, मैं थोड़ा सा इसको पीछे करता हूं, ओके, मैं इसको थोड़ा सा वहां ले जाता हूं जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, हाँ, कैन यू सी दिस, जस्ट कीप योर फोकस हेयर एंड यू विल सी व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये शॉक वेव्स यहां पहुंची एंड इट शैटर्ड द विंडोज, अब देखो सबसे बड़ी बात, विंडोज इधर की टूटी है, शॉक वेव पीछे से आई है, ये कैसे हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल भाई, इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुमको लगता है कि शॉक वेव आई है, कोई बहुत तगड़ी शॉक वेव आ रही है और तुम बच जाओगे बिल्डिंग के पीछे छुप के, नहीं ना, ये तो नहीं बच पाई, यहां तो शटर हो गया सब कुछ, विंडो पेन्स उखड़ गई हैं, शॉक वेव जब ट्रेवल कर रही है वो प्रेशर को डिक्रीज कर रही है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो इतना इनॉर्मस है विद द एनर्जी कि विंडोज पेन भी, विंडो पेन्स भी शटर हो गई, अब अगर मैं बिल्डिंग के पीछे खड़ा हूं तो क्या मैं बच जाऊंगा, नहीं, वेव है, जब तुम बात करते हो, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, जब मैं बोल रहा हूं, तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ये मेरी आवाज जो है तुम्हारे सेलफोन से या तुम्हारे लैपटॉप से जो है बाहर निकल रही है, कमरे के बाहर जा रही है, यानी रास्ता थोड़ी ना फॉलो कर रही है आवाज, स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज बेंडिंग ऑन द एजेस, सेम थिंग इज हैपनिंग विद द शॉक वेव्स, तो अगर शॉक वेव्स आई हैं और तुमको लगता है कि तुम बिल्डिंग के पीछे खड़े हो जाओगे तो बच जाओगे, बिल्कुल नहीं है, यू हैव टू रन एज फास्ट एज पॉसिबल, यहाँ कहीं कोई सेफ जगह हो वहां पे छुप जाओ, बच जाओ तो अलग बात है, ओपन में हो तो देन इट इज डेंजरस, क्यों, क्योंकि शॉक वेव तुम बिल्डिंग के पीछे खड़े हो और बच जाओगे, बिल्कुल नहीं बचने वाले हो, इस बिल्डिंग के कांच तो इसके पीछे ही थे ना, शॉक वेव्स आई एंड एवरीथिंग शैटर्ड, ठीक है, सो ये एक चीज थी, दिस वॉज द फिजिक्स की, ये सब हुआ क्या, उसके पीछे एक वीडियो अपलोड करूंगा केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री क्या थी इस पूरे की, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये दोस्तों, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इसकी फिजिक्स क्या है वो क्या है, लेकिन यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो तो अपने जैसे लोगों का हुआ ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सीखना पड़ेगा, कि आपके पास अगर कोई वेयर हाउस है तो वहां पर आप हजारों टन ऐसा सामान न रखो जो कि एक्सप्लोजिव के जैसे कन्वर्ट हो जाए, यू शुड टेक प्रिकॉशंस, अपन को ये आम जिंदगी में भी देखना चाहिए, अपने को अपने घर में भी देखना चाहिए, जैसे अपन कई बार बहुत है ना रिस्क लेते हैं चीज़ों का, जैसे घर की इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं पुरानी हो गई, अपन ध्यान ही नहीं रखते हैं, अगर उस दिन शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो भी तो बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब यहाँ पे अपने को सीखना चाहिए, ठीक है, हाँ जरूरी नहीं है विद द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी और ह्यूमन लाइफ ही अपन कोई चीज़ सीखें, अपन अपने आप भी तो सीख सकते हैं, है ना, ठीक है, तो ये वीडियो था आज का, जो मेन चीज यही थी, अगर मैं इसको थोड़ा और मूव करूंगा तो इट विल बी मोर विजिबल हियर, ठीक है, इट विल बी विजिबल, सी एवरीथिंग इज प्लेन इन प्लेन साइट एंड नाउ थिंग्स आर शैटरिंग अप, ठीक है, ओके, सो लेट मी प्ले द वीडियो वंस अगेन, पूरा देखो इस वीडियो को, ठीक है, सो शॉक वेव्स आई, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, यू सी दैट एनर्जी इज मूविंग फास्टर, पीछे क्लाउड है, क्लाउड तो सब खो गया, एंड देन शॉक वेव जब यहाँ पहुंची तो थिंग्स शैटर्ड, ठीक है, सो इट्स रीचिंग हेयर नाउ एंड दैट्स ऑल, इट्स गॉन, ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है।